ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। हुजूरे वाला, ये हैं वो जराए जिनके जरिए एनआरओ मांगा गया। शिबली फराज का नवाज शरीफ के अंदाज में नून लीग को जवाब। नैब कवानीन में अपोजिशन की तरामीम सामने ले आए। ट्विटर पर दस्तावेजात शेयर की, साथ ही तनकीद करते हुए लिखा, तारीख गवाह है, नून लीग की कयादत ने हर बार मुल्क और कानून से फरार का रास्ता इख्तियार किया। हुकूमत के शोला बयान, वजीरों की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। मुराद सईद बोले, अपोजिशन कभी बराहे रास्त और कभी बेरोजगार मौलाना के जरिए एनआरओ प्लस मांगती है। कभी ब्लैकमेल हुए ना आइंदा होंगे। मईशत और सियासत का पहिया उल्टा घूमा, ना घूमने देंगे। फवाद चौधरी भी गरजे, कहा पहले कहते थे नवाज शरीफ को बाहर ना भेजा तो उनकी जान को खतरा होगा, अब कह रहे हैं नवाज शरीफ को हुकूमत ने खुद बाहर भेजा, हम कैसे वापस बुलवाएं। को अब मियां नवाज शरीफ को बाहर जाने देने की इजाजत पर पछतावा हो रहा है। जब फैसला कर लिया जाए फिर पछतावा करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मियां नवाज शरीफ वापस आने को तैयार है? अगर मैं उनकी पार्टी में हूं तो मैं उनसे कहूं कि वापस आओ। नवाज शरीफ को बाहर भेजा, फैसला करने के बाद पछताने या ना पछताने से फर्क नहीं पड़ता। गवर्नर पंजाब की प्रोग्राम सवाल में गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ की पार्टी में होता तो उन्हें वापसी का कहता। ये भी बता दिया कि बहुत सारे लोग पंजाब का वजीर आला बनने की ख्वाहिश दिलों में दबाए बैठे हैं। अगर इमरान खान शरीफ फैमिली को एनआरओ नहीं दे रहा तो फिर इनको ये दो बड़े एनआरओ दिए किसने? आज को ये तो सच बता दिया। आपका सवाल है, आप महकमा ज़राअत से प्राप्त कर पहले तो लो फिर बोलो वरना मुआज़रत करनी पड़ती है। मुशीर बराए दाखला शहजाद अकबर ने कल महकमा ज़राअत से मुतालिक बयान दिया मगर फिर ट्विटर पर वजाहत जारी कर दी। कहा महकमा ज़राअत से मुराद नून लीग थी। कौमी सलामती के इदारों का तासुर देना गलत है। किसी इदारे या शख्स की दिल आजारी हुई हो तो माजरत चाहता हूँ। फजलुर रहमान फिर सियासी जंग के लिए तैयारी पकड़ने लगे। बड़ी जमातों से हिमायत न मिलने पर इस बार हम ख्याल जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया। नून लीग और पीपी से भी राबते, शहबाज शरीफ से जल्द मुलाकात मुतवक्के। पीपल्स पार्टी को भी साथ चलने की दावत दे दी। हम सब एपीसी के लिए मुतहरक हैं, अब हमें कोई इतराज नहीं होगा, हम इंशाल्लाह बिल्कुल होस्ट करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले भी मौलाना फजलुर रहमान साहब इसे होस्ट करते रहे हैं, तो अगर वो इसे होस्ट करें तो ज्यादा हमें खुशी होगी। जिसे करनी चाहिए रहनुमाई वो है फजलुर रहमान भाई। एहसन इकबाल ने अपनी क़यादत के बजाय मौलाना का नाम एपीसी की सरबराही के लिए पेश कर दिया। समा को इंटरव्यू में बोले, मरियम नवाज मुतहरिक हों तो नवाज शरीफ पर दबाव डाला जाता है। कायद की तस्वीर पर वजाहत दी, बोले उन्हें डॉक्टर्स ने वॉक का कहा है। उनके लिए चहलकदमी डॉक्टर्स की तरफ से तजवीज की गई है, वो कोई वहाँ पर कोई एम्यूजमेंट पार्क में तो नहीं जाते। पूरा पानी भरा हुआ घर के अंदर, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। आप ये खाने तक लोगों घर में निकालने का दिया जो पकाओ भाई। हुकूमत की बेइज्जती देखेगा कोई देखने वाला नहीं है। ये बेइज्जती है हमारे करते धरताओं की, अल्लाह उनको हिदायत दे कि वो कुछ करें आके यहाँ। मुश्किलात की बरसात, कौन मदद को आएगा? कराची वालों को इंतजार। सरजानी, न्यू कराची, औरंगी समेत मुतादिद इलाकों से पानी की निकासी ना हो सकी। घरों का कीमती सामान बर्बाद, लोग बचा कुचा सामान समेटे नकल मकानी करने लगे। घर ही नहीं उजड़े, जाने भी गए। गुज्जर नाले में डूबने वाले एक ही खानदान के तीन नौजवानों की लाशें निकाल ली गई। कल परसों और उसके बाद दो तीन दिन लगातार हम बारिश देख रहे हैं पूरी सिंध में, किसी किसी जगह पे बहुत ज्यादा भी हो सकती है। इसका मतलब है कि 100-150 मिलीमीटर तक भी जा सकती है। कराची वालों तैयारी कर लो, एक और धुआंधार स्पेल आने को तैयार। शहर में 150 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। डूबते कराची को बचाएगा कौन? सिर्फ दावे नहीं, मसाइल से छुटकारा दिलाएगा कौन? बारिश के बाद डूबते शहर और बिलबिलाते आवाम की बनेगा समा आवाज। ख्वाजा इसार, हलीम आदिल शेख, हाफिज नईम, इरशद बोहरा और शाहिद सैयद से पूछेंगे अवामी सवालात सुबह 9 से 11 बजे नया दिल की स्पेशल ट्रांसमिशन में। जिले का क्या आपने यहाँ की आवाम से पूछा? आप बोलते हो कि मैं पाबंदी नहीं हूँ।
जो मर्जी करूँ, जंगल का बादशाह हूँ, वो तो हमें पता है आपने 71 में क्या किया था इस मुल्क के साथ। आवाम के मसाइल हल करने का शौक नहीं है आपको, कराची डिवाइड करके सिर्फ पैसे कमाने हैं। मेयर कराची सिंध सरकार पर फट पड़े, कहा ये सिंध को और हम पाकिस्तान को माँ मानते हैं। कहा पीपल्स पार्टी ने पूरे कराची को तबाह कर दिया, सातवां जिला बनाने से पहले आवाम से नहीं पूछा गया। केएमसी के वो महकमे जिनसे पैसा कमाया जाता है वो सिंध हुकूमत ने अपने पास रख लिए। अगर आप ये समझते हैं कि सूबाई गवर्नमेंट यहाँ दिलचस्पी नहीं ले रही और शहरी इलाके तबाह हो रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान सफर कर रहा है, तो शहरी इलाकों पर नया सूबा बनाया जा सकता है और सूबे की क्रिएशन कोई पाकिस्तान के आईन के खिलाफ नहीं है। आफाक अहमद भी एमक्यूएम के हम आवाज सिंध में शहरी इलाकों पर मुश्तमिल जनूबी सिंध बनाने का मुतालबा। सूबाई हुकूमत पर शहरी इलाकों को नजरअंदाज करने का इल्जाम। पीपी रहनुमा निसार खोड़ो कहते हैं कराची में सातवां जिले पर एतराज करने वाले तासुब फैला रहे हैं, सिंध हुकूमत किसी को भी एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगा सकती है। क्रिकेट और इंसानियत की फलाह में नाम कमाया, सियासत में भी मकाम बनाया, कश्मीर का सफीर बनकर दिखाया। दुनिया वजीर आजम इमरान खान की कामयाबियों की मोतरफ हो गई। आलमी जरीदे द मुस्लिम्स 500 ने इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर करार दे दिया। रवा साल के शुमारे में मुस्लिम दुनिया के सबसे बड़े लीडर करार। मजहबी स्कॉलर मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना तारिक जमील और मलाला यूसुफजई भी बासर मुस्लिम शख्सियात में शामिल। पाकिस्तान का भारत को एक बार फिर करारा जवाब। कश्मीर को भारत का अटूट अंग कहने का बयान मुज़हका खेज करार। दफ्तर खारजा ने बयान में कहा मोदी सरकार प्रोपेगेंडा छोड़े और कश्मीरियों को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक अस्तस्वाब राय का हक दे। एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल, एजाज मिलने पर लेजेंडरी क्रिकेटर फैमिली और परिस्तारों के शुक्रगुजार। और साउथहैम्पटन में इंग्लिश बल्लेबाजों के बाद बॉलर्स भी कौमी टीम पर हावी, पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट गई। ओपनर्स नाकाम, मिडिल ऑर्डर फेल, असद शफीक 5, फवाद आलम 21 रन बना सके, कप्तान अजहर अली सेंचुरी के करीब, टीम को फॉलो ऑन से बचाने की कोशिश।